दिल्ली का पत्तल वाला चिकन बिरयानी। दिल्ली शहर में कुशल दास नगर पालिका कार्यालय में अटेंडर के तौर पे काम करता था। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था, बेटे का नाम राहुल था। कुशल दास अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाने की सोचता था। राहुल सरकारी स्कूल में पढ़ता था। राहुल स्कूल से आते ही ज्यादा समय खेलते हुए पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। इसी बात पर एक बार कुशल दास उसे मारकर, और कितनी देर खेलोगे? कल से अगर शाम के 6 बजे के अंदर घर को आकर किताबें खोल के नहीं पढ़े तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, कहा शकुंतला तब। जाने दीजिए, बच्चा है, बड़े होने के बाद वही समझकर पढ़ाई करेगा, बोली। राहुल को खेलों के साथ साथ माँ के खाना बनाने की प्रक्रिया देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार माँ को सब्जी काट के देना, खाना बनाने में माँ की मदद करना, ये सब करता था। थोड़े सालों के बाद राहुल बड़ा हुआ। उसको पसंद ना होते हुए भी पिता के लिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुआ। एक बार कुशल दास राहुल से, मेरी हैसियत नहीं है तो भी मेहनत करके फीस भर के तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम इंटर में अच्छे मार्क्स लाए होते तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलता। कम से कम अब से तो भी श्रद्धा से पढ़ के इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लाकर पास होना, कहा। राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी पाया। उस कंपनी में कैंटीन नहीं होने के कारण पास ही में मौजूद एक रेडी पे आए दिन दोपहर के समय राहुल अपने सहकर्मी के साथ वहां भोजन करने जाता था। थोड़े दिनों के बाद राहुल उसी ऑफिस में काम करने वाली सुनंदा नाम की लड़की से लव मैरिज करता है। राहुल और सुनंदा एक घर को भाड़े पे लेके वहां खुशी से जीने लगे। 6 महीनों के बाद रेसेशन आने के वजह से सॉफ्टवेयर फील्ड में ज्यादातर नौकरियां गई और लोग बेरोजगार बने। सुनंदा राहुल से, अब कैसे राहुल, हमारी जिंदगी ऐसे उलट गई है, घर वालों से झगड़ा करके शादी की, ऐसे स्थिति में हमारे बड़े लोगों के पास भी नहीं जा सकते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोली राहुल तब। सुनंदा तुम दुखी ना हो, मुझे पहले से ही इन नौकरियों पे ज्यादा भरोसा नहीं था। ठीक ठाक तनख्वाह, टेंशन से भरे टारगेट्स, बॉस से डरने वाला स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत दिनों से मैं मेरा खुद का एक छोटा मोटा व्यापार करने के लिए सोच रहा था, उसके लिए तुम मेरा साथ दिए तो बस है, कहा सुनंदा तब। क्या खुद का व्यापार? उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे ना, हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं, कहकर बोली राहुल। व्यापार के लिए पैसों से ज्यादा एक अच्छा आइडिया की जरूरत होती है, उसके लिए मेरे पास बहुत दिनों से एक जबरदस्त प्लान रेडी है। हमारे ऑफिस में ज्यादातर लोग पास के एक रेडी को जाकर लंच करते हैं, कहकर तुम्हें पता है ना, कहा सुनंदा तब। हाँ, मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा रहता है, दाम भी बहुत कम है, बोली राहुल। सही है, वो आदमी कितने पैसे कमाता है कहकर तुमने कभी सोचा क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों व्यापार से कोई कभी नुकसान नहीं उठाएगा। अगर हम ग्राहकों का भरोसा जीत गए तो वो लोग हमारे पास ही आएंगे, उन्हें अच्छे क्वालिटी का खाना दिए तो बस है। मैंने जो सेविंग्स किए थे वो व्यापार करने के लिए बस होंगे। तुम्हारा साथ भी मिला तो कल ही मैं मेरा पत्तल का चिकन बिरयानी का व्यापार शुरू करूंगा, कहा सुनंदा तब। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है तो मैं नहीं रोकूंगी, जो मुझसे हो सकता है मैं वो मदद करूंगी। राहुल, तुम चिकन बिरयानी बहुत अच्छे से बनाते हो कहकर मुझे पता है, प्लेट्स में सर्व करे बिना ऐसे पत्तल में क्यों करना, कहकर पूछी राहुल। पत्तल को एक थाली के जैसे बनाकर उसे एक प्लेट में रखकर ग्राहकों को देंगे, पकड़ने के लिए अच्छा रहेगा, पत्तल में परोसे बिरयानी का स्वाद बहुत अद्भुत रहेगा। बचपन में मैं नानी के गाँव में खाए बिरयानी का स्वाद कभी नहीं भूल सकता, कहा। एक हफ्ते के अंदर ही एक अच्छा सेंटर देखकर राहुल और सुनंदा अपना पत्तल वाले चिकन बिरयानी का व्यापार एक ठेले पे शुरू किए। उद्घाटन के दिन ही बहुत सारे लोग लंच टाइम को आकर पत्तल चिकन बिरयानी खाकर स्वाद बहुत अच्छा है कहकर उसकी तारीफ किए। रोड पे जा रहे लोग भी बिरयानी के महक को फिदा होकर वहाँ आकर खाने लगे। एक, पत्तल का चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है और ऊपर से दाम भी बहुत कम है, कहा एक महिला। घर में बनाने की कोशिश किए तो भी इतना स्वादिष्ट और इतना ऑथेंटिक बिरयानी नहीं बना सकते, बोली। सिर्फ थोड़े दिनों में ही दिल्ली का पत्तल वाला चिकन बिरयानी बहुत मशहूर हुआ।
रेडी के बगल में राहुल स्वादिष्ट बिरयानी बनाने लगा तो सुनंदा ग्राहकों को एक पत्तल में बिरयानी परोसकर देने लगी। एक ग्राहक राहुल से, भाई आप लोग शहर में और थोड़े ब्रांचेस खोल सकते हो ना, आपके पत्तल का चिकन बिरयानी का स्वाद बहुत पसंद आया, इसलिए हम बहुत दूर से आकर यहाँ खा रहे हैं, मेरे जैसे दूर रहने वाले ग्राहक भी बहुत है, कहा। उन्हें आए दिन स्विगी जोमैटो से ऑर्डर्स मिलने लगे, डिलीवरी बॉयज ऑर्डर्स ले जाने लगे। एक साल के अंदर ही वो लोग एक अच्छा घर और कार खरीदे। एक बार राहुल अपने कोलीग में से बेरोजगार वालों को बुलाकर, दोस्तों मेरा शुरू किया पत्तल चिकन बिरयानी का व्यापार बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ है कहकर आपको भी पता है ना, अब मैं और थोड़े सेंटर्स में हमारे व्यापार को शुरू करना चाह रहा हूँ, इसमें आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं, कहा। ये सुनकर सब राहुल का धन्यवाद किए। ऐसे राहुल के दोस्त बहुत जगह पर दिल्ली का पत्तल चिकन बिरयानी का व्यापार फूड वैंस में और ठेलों पे शुरू किए। दिल्ली को आए टूरिस्ट भी राहुल के पत्तल बिरयानी को जरूर खाकर जाना है कहकर सोचकर आकर खाने लगे। ऐसे राहुल के साथ साथ उसके दोस्त भी अच्छे से सेटल हुए। एक बार सुनंदा राहुल से, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आज हम ऐसे नहीं रहते, इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। थैंक्स राहुल, बाय द वे कल मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स हमारे घर को आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा पटल वाला चिकन बिरयानी खिलाओ, कहकर खुशी से बोली।